नए संसद भवन का निर्माण शुरू होने की औपचारिक घोषणा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने लोकतंत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। देश की 130 करोड़ जनता के लिए ये गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि नया संसद भवन हमारे गौरव का प्रतीक होगा। नए संसद भवन का शिलान्यास 10 दिसंबर को 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए भूमि पूजन के साथ किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हर राज्य की कलाकृति नए संसद भवन में लगेगी। नया संसद भवन नई तकनीक से लैस होगा। ये भवन भूकंप रोधी तकनीक से लैस होगा। ये भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक होगा। कि नए संसद का भवन जिसका शिलान्यास 10 तारीख को 1 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन के साथ शुरू होगा। आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी सब देश की अलग अलग देश की विविधताओं की अलग अलग महत्वपूर्ण वस्तुएं और कई अलग अलग प्रदेश की अपनी अपनी वहाँ की कलाकृतियाँ वहाँ की विशेष रूप से वहाँ की अपनी द्वारा अपने शिल्पकारों के द्वारा बनाए हुई कई हस्तशिल्प की वस्तुएं भी यहाँ पर लगेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नए भवन में लोकसभा सांसदों के लिए लगभग 888 और राज्यसभा सांसदों के लिए 326 से ज्यादा सीटें होंगी। संसद सदस्यों के संख्या की दृष्टि से भी 888 लोकसभा की और 326 से ज्यादा राज्यसभा की अनुमानित सीटें होगी और एक साथ हम यहाँ पर 1224 माननीय सदस्य लोकसभा के कक्ष में एक साथ बैठ जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि सभी सांसदों का अलग अलग ऑफिस होगा जो श्रम शक्ति भवन के पास बनेगा। सभी माननीय सदस्यों को 40 वर्ग मीटर का एक कार्यालय भी उपलब्ध होगा। 2024 तक इसका हमने लक्ष्य रखा है। जो श्रम शक्ति भवन और उसके पास की बिल्डिंग से बनेगा और अंडरग्राउंड में संसद भवन में जाकर निकलेगा, तो ये भी माननीय सांसदों की बहुत पुरानी मांग थी। उन्होंने कहा कि देश की 130 करोड़ जनता के लिए ये गौरव का विषय है। नया संसद भवन हमारे गौरव का प्रतीक होगा। से बेहतर और नई तकनीकी और सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त भवन होगा जो हमारे गौरव का प्रतीक होगा। ये हमारा भवन ईंट पत्थर का भवन नहीं, ये 130 करोड़ जनता के आशाओं आकांक्षाओं का प्रतीक है जहां पर बैठकर हम सब सभी माननीय सांसद अपनी अपनी भावनाओं का अभिव्यक्ति करते हैं और वहां पर जनता की बात को कहते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। नए भवन को त्रिकोण के आकार में डिजाइन किया गया है। इसे मौजूदा परिसर के पास ही बनाया जाएगा। 64,500 वर्ग मीटर इलाके के भीतर बनने वाले इस भवन की लागत करीब 971 करोड़ रुपए आएगी। नए संसद भवन के निर्माण में 2000 इंजीनियर और कामगार प्रत्यक्ष रूप से और 9000 कामगार परोक्ष रूप से जुड़ेंगे। इसे बनाने का जिम्मा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला है। आज़ादी के बाद भारत द्वारा बनाया गया यह पहला संसद भवन होगा। इसमें भारत के वास्तुकार, भारत की संपत्ति और भारत के लोगों का श्रम लगा होगा। एक तरीके से नए भारत की आशाओं का केंद्र होगा भारत का नया संसद भवन। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुरेश के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन।